शहर गुल में सदारती इलेक्शन की हलचल, अपोजिशन के दोनों सदारती उम्मीदवार लाहौर में सरगरम। सदारती इलेक्शन में सिर्फ एक रोज बाकी, सियासी जोड़ तोड़ अरूज पर पहुंच गया। मौलाना फजलुर रहमान की शहबाज शरीफ से अहम मुलाकात, पीपल्स पार्टी की वोट इकट्ठे करने की अपनी कोशिशें, अभी तक अपोजिशन जमाते मुतहदा उम्मीदवार लाने में नाकाम। सदारती उम्मीदवार पर नून लीग और हलीफ जमातें डट गई। शहबाज शरीफ से मुलाकात में मौलाना फजलुर रहमान को कामयाब कराने का आज़्म। पीपल्स पार्टी ने अपना वोट खामोश करके पीटीआई को फायदा दिया, दोबारा ऐसा नहीं होना चाहिए। मेरी दस्तबरदारी के लिए पीपी को 11 जमातों को एतमाद में लेना होगा। मौलाना फजलुर रहमान बोले, जिस जमात की हिट लिस्ट पर खुद मैं हूँ, किसी के बारे में ऐसा कैसे कह सकता हूँ। अपोजिशन का एक ही सदारती उम्मीदवार लाने की जिदोजहद जारी है। मौलाना फजलुर रहमान को कामयाब कराने की सर तोड़ कोशिशें करेंगे हमजा शहबाज। इजलास में मौलाना की कामयाबी की दुआ की, हलवा भी इकट्ठे खाया। वोटिंग में पीपल्स पार्टी ने पहले हिस्सा ना लिया, अब इसके लिए लम्हा फिक्रिया है। हमारी अपील है कि पीपल्स पार्टी मौलाना फजलुर रहमान का साथ दे। ख्वाजा साद रफीक। पीपल्स पार्टी को मौलाना फजलुर रहमान की सदारती दौड़ से दस्तबरदारी की उम्मीद। पीपी सदारती उम्मीदवार चौधरी एहतजाज एहसन सबसे बेहतर हैं। अगर मौलाना मान जाएं तो एहतजाज सदर बन सकते हैं। कमर जमान कायरा बोले, सियासत में माफी नहीं होती, माफी का सिलसिला चल निकला तो सबसे ज्यादा पीपल्स पार्टी से माफी मांगना पड़ेगी। ओपोजिशन मुतहद नहीं, मगर बाज इशूज पर एक पेज पर होती है प्रेस कॉन्फ्रेंस। सूबाई वजीर अब्दुल अलीम खान की पीटीआई के बल्दियाती अराकीन से मुलाकात। पंजाब के फरसूदा बल्दियाती निजाम की जगह बेहतरीन सिस्टम लाएंगे। किसी रुकने असेंबली को तरक्याती फंड्स नहीं मिलेंगे, सबको यकसा हकूक देंगे, अब्दुल अलीम खान की गुफ्तगू। और एक्सपो सेंटर में बैन अल-अक़वामी फूड टेक्नोलॉजी नुमाइश का दूसरा रोज, 300 से जायद मुल्की और गैर मुल्की कारोबारी इदारों के स्टॉल्स, ताजर बरादरी की दिलचस्पी।